हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने पेरीमीटर एंड एरिया चैप्टर स्टार्ट किया था और उसके साथ हमने पेरीमीटर भी पढ़ा था। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है एरिया। ठीक है, तो एरिया क्या होगा? तो पहले हमको एरिया और पेरीमीटर में अंतर जो है वो डिफरेंस जो है वो समझ आना चाहिए, तब हमको इसके फॉर्म। ठीक है, अगर ये ज्योमेट्री दिया और हमको बोला जाए कि इसका पेरीमीटर, तो पेरीमीटर हमने किसे निकाला था? इसकी जितने भी साइड हैं सब के लेंथ का एडिशन। बट अब एरिया क्या हुआ? एरिया इस बाउंड्री लाइन के अंदर जितना भी रीजन है ये वाला पूरा, उसका मेजरमेंट जो होगा उसको हम लोग एरिया बोलते हैं। ठीक है, इस बाउंड्री लाइन के अंदर जितना भी रीजन आ रहा है उसका मेजरमेंट जो होगा उसको हम बोलते हैं एरिया। ठीक है, तो अलग अलग ज्योमेट्री के लिए अलग अलग एरिया के फॉर्मूले होते हैं, तो हमको दो फॉर्मूले याद रखने, एरिया ऑफ स्क्वायर और एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड का स्क्वायर या साइड इंटू साइड। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर के लिए सारी साइड का लेंथ बराबर होता है। और अगर एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात करेंगे तो क्या आएगा? लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, और लेंथ को एल बोल दिया, ब्रेथ को बी बोल दिया, तो एल इंटू बी भी हो सकती है। यहाँ पे साइड को अगर ए बोलेगा तो इसको हम बोल देंगे ए का स्क्वायर। ठीक है, वो ऐसे भी लिखा हुआ कि ए स्क्वायर एरिया ऑफ स्क्वायर होता है। ठीक है, चलिए अब एरिया का जो यूनिट होता है वो होता है स्क्वायर यूनिट में। ठीक है, तो अगर हमको जैसे रेक्टेंगल दिया है और उसके साइड मीटर में दिया है तो उसका जो एरिया आएगा वो स्क्वायर मीटर में आएगा। अगर साइड हमको सेंटीमीटर में दिया है तो स्क्वायर सेंटीमीटर आएगा, किलोमीटर में दिया है तो स्क्वायर किलोमीटर आएगा। और स्क्वायर सेंटीमीटर या स्क्वायर मीटर को लिखने का एक तरीका ये है, जैसे ये स्क्वायर सेंटीमीटर ऐसे लिखा हुआ है तो उसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, सेंटीमीटर लिख के उसके ऊपर स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, तो इसका मीनिंग और ये जो लिखा हुआ है स्क्वायर सेंटीमीटर दोनों का सेम होगा, यहाँ होगा तो मीटर स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ होगा तो किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो उससे कंटिन्यू होगा। चलिए अब इसके लिए हमको क्वेश्चन करना, तो क्या दिया था? रेक्टेंगुलर गार्डन इज 40 मीटर लॉन्ग एंड 30 मीटर वाइड। ठीक है, रेक्टेंगुलर गार्डन दिया है, उसके लेंथ और विड्थ हमको दे दिया है, लेंथ दिया है 40 मीटर और विड्थ दिया है 30 मीटर। अ 2 मीटर वाइड पाथ इज टू बी पेव्ड इनसाइड द गार्डन अलोंग इट्स बाउंड्री यूजिंग टाइल्स 25 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर इन साइज, हाउ मनी सच टाइल्स विल बी रिक्वायर। ठीक है, तो एक गार्डन दिया है, उसके अंदर वो आपने गार्डन देखे होंगे, बाउंड्री लाइन के अंदर थोड़ा सा अंदर एकदम बाउंड्री लाइन से के पास जो है घूमने के लिए दौड़ने के लिए एक पाथ बना होता है, वहाँ पे टाइल्स लगी होती हैं, बाकी उसके अंदर तो ग्रास होता है या फिर मिट्टी होता है। ठीक है, तो वैसा ही कुछ बोल रहा है, उसमें हमको जो घूमने के लिए जगह है उस पर टाइल्स लगाने, तो उसका डायग्राम देखते हैं तो अच्छे से समझेंगे। ये पूरा मेरा गार्डन है बाहर वाला, और ये वाला जो रीजन है इसमें हमको टाइल्स लगाने हैं। ठीक है, ऐसे ही दिख रहा होगा गार्डन में, एकदम बाउंड्री लाइन के पास में इसे टाइल्स लगी होती है, और अंदर यहाँ पे कुछ या तो सीट मतलब चेयर वेयर लगी होती है या फिर ऐसे ही ग्रास होता है, बट यहाँ पे टाइल्स नहीं होती, टाइल्स यहाँ पे होती है घूमने के लिए या दौड़ने के। ठीक है, तो वही से बोल रहा है, ये हमारा गार्डन है, इसके बाउंड्री लाइन से 2 मीटर अंदर तक हमको टाइल्स लगाने इस वाले लिए। ठीक है, इसका लेंथ दिया है 2 मीटर चारों तरफ, ये भी 2 मीटर है, ये 2 मीटर है, ये भी 2 मीटर है। ठीक है, चलिए तो अब हम क्या करेंगे, इसके लिए जैसे मान लो एक टाइल्स हमने लगाई तो वो इतना एरिया कवर करेगी, फिर एक और टाइल्स लगाई तो हमने ठीक है इतना एरिया कवर करेगी, एक और लगाई तो ऐसे, तो जितने टाइल लगाएंगे उतना उस टाइल्स के एरिया के बराबर रीजन कवर होता जाएगा। तो हमको पूछा कि ऐसे कितने टाइल्स लगाने पड़े, तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, इस एरिया जितना भी है ये पार्क उसका एरिया निकालेंगे और उसको टाइल्स के एरिया से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ टाइल्स आ जाएंगे। ठीक है, तो वो क्या चाहिए, इस वाले पाथ का रीजन, सॉरी इस रीजन का एरिया, उसके लिए हम क्या किया,
उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पूरा एरिया बड़े वाले का ही निकालेंगे, फिर छोटे वाले रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे, उसमें से हटा देंगे तो ये वाला बच जाएगा। तो हमने बड़े वाला जो रेक्टेंगल है उसका एरिया निकाला तो आया 40 × 30 एरिया ऑफ रेक्टेंगल से, वो आ गया 1200 स्क्वेयर मीटर। फिर एरिया ऑफ स्मॉल रेक्टेंगल, ठीक है, तो वो कैसे आया देखो, उसके लिए हमको उसकी डायमेंशन चाहिए। तो ये देखो ये अगर हमको विड्थ चाहिए इसका, ये तो इसका विड्थ यहाँ से यहाँ तक होगा, तो टोटल कितना था बाहर वाला 30, उसमें से 2 मीटर इधर से कम हो गया 2 मीटर इधर से, तो कितना बचेगा 26, ठीक है। ऐसे ही ये वाले लेंथ के लिए टोटल ये 40 है, इधर से 2 मीटर कम हो गया, इधर से 2 मीटर, तो कितना हो जाए 36, इसलिए इसके एरिया के लिए हमने 36 × 26 यूज किया गया है, ठीक है। अब जो हमको एरिया चाहिए उसका भी निकाला हमने 1200 − 936, इस बाहर वाले का एरिया माइनस अंदर वाले का एरिया, तो ये एरिया बचेगा, ठीक है। तो 264 स्क्वेयर मीटर जो है वो हमारा जितने एरिया में हमको टाइल्स लगाने वाला है। चलिए अब हम टाइल्स का एरिया निकालते हैं, तो टाइल्स का जो डायमेंशन दिया हुआ है वो सेंटीमीटर में दिया है, तो उसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा हमको, क्योंकि ये जो हमको टाइल्स जहाँ लगानी है वो मीटर में दिया है, तो हमने सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करते तो हम जगह सोल्व किया तो 1/20 स्क्वेयर मीटर आ गया। तो ये आया एक टाइल का एरिया, तो हमको कितने टाइल चाहिए उसके लिए हम लोग टोटल एरिया में टाइल्स के एरिया को डिवाइड कर देंगे, तो 264 / 1/20। अब ये डिवीजन साइन, इसको मल्टीप्लिकेशन बदलना है तो इसको रिवर्स कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 5280 टाइल्स हमको चाहिए उस एरिया को कवर करने के लिए जो यहाँ पे है, ये 2 मीटर 2 मीटर वाला, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड इज 65 मीटर लॉन्ग एंड 30 मीटर वाइड, पाथ वे ऑफ 1.5 मीटर विड्थ गोस ऑल अराउंड द ग्राउंड आउटसाइड इट, फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ, ठीक है। ये भी सेम वैसा ही क्वेश्चन है, बट इसमें उतना लंबा नहीं पूछा। एक हमारा ग्राउंड है ए बी सी डी, ये हमारा मेन ग्राउंड है इस बार ध्यान रखना, ठीक है। पी क्यू आर एस नहीं है, ए बी सी डी हमारा ग्राउंड है, उसका लेंथ और विड्थ है। अब क्या बोला है कि इस ग्राउंड के बाहर आउटसाइड द ग्राउंड, वो बोला है उसने 1.5 मीटर का एक पाथ है कुछ भी दौड़ लगाने के लिए, घूमने के लिए, टहलने के लिए, ठीक है। तो इस बार ये चारों तरफ 1.5 मीटर है, तो बोला है कि उस पाथ का एरिया निकाल। तो अब क्या करेंगे देखो, ये हमको पता है हम ए बी सी डी का, तो पी क्यू आर एस का अगर हमने निकाल लिया तो पी क्यू आर एस में से ए बी सी डी घटाया तो ये बच जाएगा, तो उसके लिए हमको पी क्यू आर एस के डायमेंशन चाहिए, तो निकालना आसान है। यहाँ से यहाँ तक का कितना है 65, और ये वाला कितना है 1.5, तो 1.5 इधर ऐड करेंगे, 1.5 इधर ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 3 मीटर। तो जो पी एस लेंथ कितना आ जाएगा वो 65 + 1.5 + 1.5, तो हो जाएगा 68, ठीक है। ऐसे ही ब्रिथ के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ये लेंथ और ये लेंथ, ये कितना है यहाँ से यहाँ तक का 30 है ये, फिर इधर 1.5 ऐड होगा, इधर 1.5 ऐड होगा, तो 30 + 1.5 कितना हो जाएगा 33। तो ये आ गया पी क्यू आर एस का लेंथ और विड्थ, तो पी क्यू आर एस का एरिया माइनस ए बी सी डी का एरिया जो होगा वही इस वाले रीजन का एरिया हमारा आ जाएगा, जो इसमें पूछा। और इस बार ध्यान रखना है हमको इस बार इन साइड वाले रेक्टेंगल का डायमेंशन दिया था, इसलिए हमने बाहर जाने के लिए एड किया, ऊपर वाले में बाहर वाले का दिया था, अंदर जाने के लिए हमने सब ट्रिक किया था। तो एरिया ऑफ पी क्यू आर एस माइनस एरिया ऑफ ए बी सी डी, तो पी क्यू आर एस का डायमेंशन 68 33, दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दिया क्योंकि एरिया ऑफ रेक्टेंगल लगाना, फिर ए बी सी डी का हमने लगा दिया ये, और दोनों के एरिया का डिफरेंस कर दिया, तो हमारा आ गया एरिया ऑफ दैट पाथ, ठीक है, जहाँ पे ये रीजन बना हुआ है, चलिए ठीक है। तो दोनों रेक्टेंगल का एरिया निकाल के हमको डिफरेंस कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेंथ एंड विड्थ ऑफ अ मोबाइल फोन इज 13 cm and 7 cm respectively, ठीक है, लेंथ 13 और विड्थ 7 cm।
इट हैज अ स्क्रीन पी क्यू आर एस एज शोन इन द फिगर, व्हाट इज द एरिया ऑफ द स्क्रीन। ठीक है, तो पहले हम लोग फिगर देख, फिगर ये दिया हुआ है, ये मोबाइल है, ए बी सी डी हमारा मोबाइल का फुल फुल है, मतलब फुल मोबाइल है। उसमें से पी क्यू आर एस वाला जो रीजन है वो स्क्रीन वाला पार्ट है। ठीक है, ये स्क्रीन है पी क्यू आर एस वाला। तो अब ये क्या बोल रहा है कि हमको इस स्क्रीन का एरिया निकालना है, तो इसके लिए हमको इसके डायमेंशन चाहिए, तो डायमेंशन निकाल लेंगे। कैसे, हमको पी एस चाहिए तो पी एस के लिए देखेंगे, 20 जो ए बी है वो कितना है, 13 सेंटीमीटर गिवन था, उसमें से इधर से 1.5 सेंटीमीटर कम करना है और इधर से 2 सेंटीमीटर कम करना है, तो पी एस कितना बचेगा, 13 माइनस 3.5, इन दोनों का एडिशन 1.5 प्लस 2, तो 13 माइनस 3.5 करेंगे तो 9.5 सेंटीमीटर बचेगा। ठीक है, फिर हमको इसका विड्थ चाहिए, पी क्यू चाहिए हमको, ये तो यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे, ये बी सी कितना है 7, उसमें से दोनों साइड हमको 1.5 1.5 बटाना है, तो कितना बचेगा 4, क्योंकि 1.5 1.5 हो जाएगा 3, 4 माइनस 7 माइनस 3 कितना बचेगा 4, इसका विड्थ आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। अब एरिया निकालना है तो पी क्यू आर एस का एरिया क्या होगा, लेंथ इनटू विड्थ, ये हमने कर दिया, तो कितना आ गया 38 सेंटीमीटर स्क्वायर या स्क्वायर सेंटीमीटर, क्योंकि हमको डायमेंशन सेंटीमीटर में दिया हुआ। ठीक है, तो ऐसे हमको जो भी दिया होगा, स्क्वायर भी दिया हो सकता है, रेक्टेंगल भी दिया हो सकता है, दोनों का जो भी दिया है उसका एरिया लगा के सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। ठीक है,